राजी होना अगली बात है। याद रखें कलमा गो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उसने जिंदगी भर अमल एक भी नहीं किया तो वो मुसलमानों की सब में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं किसी मोमिन के लिए ये जायज और रवा नहीं है कि वो किसी मोमिन को कत्ल करे। ये इसमें नकरा अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, किसी मोमिन के लिए जायज नहीं कि वो किसी मोमिन कलमागो को कत्ल करे, इल्ला खताअन, मगर खता से गलती से अगर हो जाता है तो वो अलग बात है, इरादतन टारगेट करके किसी मुसलमान के लिए ये जायज नहीं है कि वो किसी मुसलमान को कत्ल करे। वमन कतल मोमिनन खताअन, अब एक तो चैप्टर क्लोज हो गया ना, यानी इरादतन को कत्ल करना हो ही नहीं सकता, इस्लामी मुआशरे में नहीं होना चाहिए। और दूसरा चैप्टर खुला है खताअन का, उसमें खता हो सकती है, गलती हो सकती है। वमन कतल मोमिनन खताअन, और जिसने मुसलमान किसी को भूल से खता से गलती से उससे कत्ल हो गया, फिर वो क्या करे, तहरीर रकबतिन मुमिनतिन, तो एक मोमिन गुलाम को आजाद कराना है, उसका फिदिया है, उसकी कंपनसेशन है, उसका उसे जुर्माना है। जो समझ लें कि अगर खताअन उससे कोई मुसलमान का खून हो गया है, कत्ल हो गया है, वो इरादा नहीं था, गलती से हो गया है, तो फिर वो एक मोमिन जो है गुलाम को आजाद कराए और ही और खून बहा है जो उसके घर वालों को देना। दो चीजें, एक उसके कत्ल किया है खताअन, एक मोमिन किसी मुसलमान गुलाम को आजाद कराएगा गुलामी से, या फिर उसके अहल जो है उनको फिदिया देना है। पूरे फिदिया रवाज है इस्लाम में, उलमा ने जितनी उसकी अमाउंट बना रखी है उसका देना जरूरी है। इल्ला, हाँ इसमें भी फिर एक शर्त आ गई, एक में एक्सेप्शन आ गई, इल्ला अयस्तदून, हाँ मगर वो अगर उसे माफ कर दे, खैरात कर दे, सस्ता कर दे, यानी उसके बारे दीन जो है वो अगर उसको माफ कर देते हैं तो फिर कोई उसमें जरूरी नहीं। हाँ अगर वो माफ नहीं करते तो फिर दीन का होना जरूरी है। अगर फिर अगर वो था, यानी मकसूल जो था, अगर वो किसी ऐसी कौम से था जो तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम्हारे दरमियान एनमिटी है, दुश्मनी है, वह हुआ मोमिन, और वो था मोमिन, वो था मुसलमान, दुश्मनी है आपस में, वो काफिर कौम है, लेकिन उस काफिर कौम का बंदा भी तो मुसलमान हो सकता है। मतलब जो लोग मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो हिंदुस्तानी हैं लेकिन हिंदू नहीं है, समझ रहे हैं ना, यानी वो हिंदुस्तानी हैं जियोग्राफिकली, जियोग्राफी के लिहाज से, लेकिन वो हिंदू नहीं है, वो है मुसलमान। अब दोनों उन कंट्री का मामला है, जैसे आप देखते हैं बाहर इंग्लैंड में एक पाकिस्तानी या एक बरतानिया नयाब मुसलमान कत्ल हो गया, तो वो उसे सिटीजनशिप बरतानिया की हासिल है, सिटीजनशिप उसे अमेरिकन की हासिल है, इंडियन की हासिल है, वो वहां का बाशिंदा है लेकिन है क्या मुसलमान। तो अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाती है तो फिर पता नहीं जो रंग बदल मोमिना दिन, फिर एक मुसलमान गुलाम को आजाद कराना है, उसके बदले में आजाद कराएगा, जितने भी उस पर पैसे लगते हैं अगर अपने पास है गुलाम तो उसको फ्री कर देगा, उसको आजाद कर देगा। वह इंसान इन कौम इन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुम, फिर वो मकबूल किसी ऐसी कौम से बिलोंग करता है, ऐसी कौम से उसका ताल्लुक है कि उस कौम के और तुम्हारे दरमियान एक अहद है, एग्रीमेंट है, वादा किया हुआ है। अब देखिए कुरान मजीद ने कितनी वाजे बातें जो है वो बता दी है, तुमने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है तो फिर क्या होगा, तो फिदयतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही, फिर उसका खून बहा है उसके घर वालों को, उसके अहलोजाल को, उसके वालिदैन को खून बहा जो है वो देना होगा। तहरीर रकबतिन मुमिनतिन, और फिर एक मुसलमान जो है उसका मोमिन को गुलाम को आजाद कराना है, उसकी गर्दन को छुड़ाना है, उसको आजाद कराना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फमन लम यजिद, अगर किसी पर के पास ये नहीं है, मतलब आज गुलाम भी नहीं है, इस्लाम की बरकत से गुलामों का जो कारोबार खत्म हो गया दुनिया,
कि जैसे इंसानों को खरीद लिया जाता था, हाँ हमारे इस इलाकों में एक और सूरत है कि आप ये लोग जो बढ़ेरे हैं या ये भट्ठों पर काम कराने वाले जो हैं, ये इन्होंने खानदान रखे होते हैं, वो उन्हीं के गुलाम हैं, ना उनको पैसा देना है बस रोटी देनी है, उनसे कर्जा इतना उन पर चढ़ जाता है बेचारों पर कि वो फिर उनके ही होकर रहते हैं जिंदगी भर, फिर उनकी औलादें ही उनका काम करती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐसी सूरत भी दुनिया में पैदा हो सकती है, तो मन नाम यही इसको ये दोनों सूरतें हाजिर नहीं है मगर गुराम नहीं मिल सकता। और